बिहार समस्तीपुर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। नाबालिग से पति का अवैध संबंध, एग रोल में दिया जहर, मौत। समस्तीपुर में दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख पत्नी बोली, हत्या करो वरना मैं सुसाइड करूंगी। समस्तीपुर में 15 दिन पहले मिले नाबालिग के शव को लेकर पुलिस ने शनिवार को अहम खुलासा किया है। नाबालिग की हत्या पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी ने मिलकर किया था। दोनों ने नाबालिग 15 को एग रोल में जहर मिलाकर खिलाया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मामले को छिपाने के लिए दंपति ने शव को उजियारपुर थाना क्षेत्र के बाबू पोखर के पास सड़क किनारे फेंक दिया था। पुलिस ने शव को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल की गई महिंद्रा XUV 500 गाड़ी को जब्त कर लिया है। दलसिंहसराय DSP नजीब अनवर ने बताया कि अवैध संबंध के कारण नाबालिग की हत्या की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में घटहो ओपी क्षेत्र के सुल्तानपुर घटहो निवासी रामकांत मेहता के बेटा राजकुमार मेहता 42 और उसकी पत्नी संजू देवी 36 शामिल हैं। पत्नी ने पति को नाबालिग के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। राजकुमार का नाबालिग के साथ अवैध संबंध था। पत्नी संजू देवी ने अपने पति को नाबालिग के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद संजू देवी ने अपने पति से कहा कि आप उसकी हत्या करो या हम आत्महत्या कर लेंगे। पत्नी के दबाव में राजकुमार ने एग रोल में जहर देकर नाबालिग की हत्या कर दी। इसके बाद शव को महिंद्रा SUV 500 गाड़ी में लोडकर उजियारपुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे फेंक दिया। 3 फरवरी को उजियारपुर थाना क्षेत्र के नाजीरपुर बाबूपोखा के पास एक नाबालिग का शव मिला था, जिसकी पहचान घटहो ओपी क्षेत्र के सुल्तानपुर घटहो निवासी के रूप में की गई थी। मृतका की मां के बयान पर उजियारपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। उजियारपुर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार, घटहो ओपी अध्यक्ष मंजुला मिश्रा ने मानवीय सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार किया। तीन फरवरी की रात्रि में उजियारपुर थाना अंतर्गत नजीरपुर गांव के समीप बाबूपुर पोखर के पास एक नाबालिग लड़की की शव बरामद हुई थी, जिसकी पहचान बाद में फूलशरण कुमारी, पिता राम चंद्र प्रसाद, सुल्तानपुर घटो ओपी के तौर पर हुई थी। मृतिका के मां के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई, फिर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस अनुसंधान में मानवीय आसूचना संकलन और तकनीकी अनुसंधान के पश्चात इस केस का सफल उद्भेदन हो पाया। उद्भेदन के क्रम में ये बात सामने आई कि राजकुमार मेहता और उसकी पत्नी संजीव देवी दोनों ने मिलकर इस नाबालिग लड़की की हत्या करने की योजना बनाई थी। फिर उस दोनों ने मिलकर इसकी हत्या की और एक महिंद्रा XUV 500 में कंबल में लपेट कर इस शव को उजियारपुर के बाबू पोखर के पास जाके इसको सुनसान में फेंक दिया गया। इसी क्रम में ये बात भी सामने आई कि राजकुमार मेहता ने मृतिका के साथ कई बार अवैध संबंध भी बनाए थे। इस दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजी जा रही है और इन दोनों के निशानदेही पर XUV 500 शव को जिस कंबल से लपेटा गया वो और अन्य सामान की बरामदगी भी हुई है।